आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के अंडर इंडिया में कितने एरियाज बायोस्फीयर रिजर्व्स डिक्लेयर होने के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने और बायोडायवर्सिटी की कंजर्वेशन करने के लिए भी टाइम टू टाइम सभी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को सलाह देता रहता है, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी अर्थ पे बहुत ही रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, स्पीशीज रिचनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फ्लोरा एंड फौना दोनों की अलग अलग वेराइटी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनमें से कई सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्शन का थ्रेट फ्यूचर में फेस कर सकते हैं। तो ऐसे में बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या एक्सटिंक्शन के रेट को कम करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच होती है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की, इन सिटू अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है प्लांट या एनिमल को, उसे हम उसके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देते हैं। यानी उसको नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल कर अपनी केयर में रखने के बजाय इस नेचुरल हैबिटेट के सहित इकोसिस्टम के सभी एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्शन करते हुए उसको हम टोटल प्रोटेक्शन देते हैं। तो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर एक प्रिस्टीन स्टेट में इस तरह से कोई भी स्पीशीज प्रोटेक्ट की जा सकती है, और इसी के लिए यूनेस्को ने एक MAB प्रोग्राम चलाया था, मैन एंड बायोस्फीयर इसको हम नाम देते हैं। और यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज को अपनी बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने सलाह दी थी कुछ पर्टिकुलर फॉरेस्टेड एरियाज को लीगल प्रोटेक्शन देने की। तो इस तरह की लीगल प्रोटेक्शन हम पहले से भी देते थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स के रूप में, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व एक नई तरह की इन सिटू कंजर्वेशन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में बताई गई, जहाँ पर किसी प्रोटेक्टेड एरिया को 3 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। कोर जोन, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर बफर जोन, जो कि रिसर्च, एजुकेशन और टूरिज्म के लिए यूज़ किया जा सकेगा। और फाइनली जो आउटर मोस्ट है, ट्रांजिशन या मैनिपुलेशन जोन, जहाँ पर जो फॉरेस्ट की रिसोर्सेज हैं, बायोडायवर्सिटी है, उसको सस्टेनेबली लोग यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की 14 साइट्स MAB प्रोग्राम के अंडर इंडिया में आइडेंटिफाई की गई बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने के लिए, इसीलिए ऑप्शन बी हम यहाँ पे अपना सही आंसर कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।